हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डिज्नी प्लस की आने वाली मोस्ट अवेटेड सीरीज लोकी के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, जो अब फाइनली रिलीज हो गया है, जिसे बार बार देखकर भी मेरा मन नहीं भर रहा। रीजन है इस ट्रेलर का काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होना, और इसके अलावा इस ट्रेलर में हमें देखने के लिए काफी सारे ईस्टर एग्स मिलते हैं एमसीयू के यूनिवर्स के। और हाँ, इसके अलावा हिस्ट्री के कुछ रियल इवेंट्स को भी इस सीरीज में ऐड कर एमसीयू ने ही अमेरिकन की वो सारी की सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर दिया है। खास करके बीडी कूपर की वो मिस्ट्री, जिसमें बीडी कूपर ने 747 नाम का बोइंग एयरक्राफ्ट हाईजैक किया था, वो भी बिल्कुल जेम्स बॉन्ड के स्टाइल में, जिसके बाद उसकी डिमांड $200,000 की थी, जो कि उसे मिले भी, जिसके बाद वो उस अमाउंट को लेकर सीधे प्लेन से जंप कर भाग गया पैराशूट की मदद से। यानी कि ये परफेक्ट हाइस्ट थी, क्योंकि आज तक बीडी कूपर को अमेरिकन एजेंसी ढूंढ नहीं पाई है। लेकिन एमसीयू के यूनिवर्स में ये बात क्लियर हो गई कि बीडी कूपर और कोई नहीं बल्कि लोकी है। और जब वो पैराशूट के साथ $200,000 लेकर कूदा था, तो बायफ्रॉस्ट की मदद से लोकी को सीधे एसगार्ड बुला लिया गया। यानी कि हेमडाल भी इस सीरीज में हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि एमसीयू के फ्यूचर में हमें हेमडाल का कैरेक्टर नजर आए ठीक लोकी की तरह। और हाँ, उस एयर जंप के बाद जो छोटी सी डिटेलिंग पर भी ध्यान दिया गया है, वो है उड़ते हुए ये डॉलर्स, जो बाद में बीडी कूपर के सर्च ऑपरेशन में एफबीआई को मिले थे काफी बुरी कंडीशन में, जिनकी बुरी कंडीशन का कारण बायफ्रॉस्ट है, जिनसे वो डॉलर्स जल गए। तो चलिए अब इस ट्रेलर में और ऐसी कौन कौन सी डिटेल्स है जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उस पर बात करते हैं, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ, जो कि डेफिनेटली बनती ही है। और यहां से आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो ट्रेलर की स्टोरी की बात करने से पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके ईस्टर एग्स की, क्योंकि इस ट्रेलर की स्टोरी के एक्सप्लेन के टाइम पर अगर मैं बीच बीच में ईस्टर एग्स की बात करूंगा, तो डेफिनेटली स्टोरी आपके लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, जो कि ये लोकी की सीरीज है। इसलिए बात पहले ईस्टर एग्स की करते हैं, जैसे कि लोकी का इस तरीके से डेजर्ट में आकर गिरना, जिसका रेफरेंस लिया गया है आयरन मैन 1 फिल्म से, जिस फिल्म के स्टार्ट में हम टोनी स्टार्क को ऐसे ही डेजर्ट में अपने मार्क 1 सूट के साथ क्रैश लैंडिंग करते हुए देखते हैं। तो हो सकता है कि एमसीयू की तरफ से ये सीन सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के तौर पर नहीं, कि इस चीज को भी काफी ज्यादा ध्यान में रखकर डाला गया होगा कि रजा जैसे टेररिस्ट के हाथों से बचने के बाद टोनी स्टार्क का मकसद ही बदल जाता है, और वो भी खुद को पूरी तरीके से बदल लेता है। कैसे, तो ये बात एमसीयू फैंस को काफी अच्छी तरीके से पता है। तो शायद लोकी की सीरीज में इस सीन को दिखाने का भी मतलब मुझे कुछ इसी तरीके का लग रहा है कि लोकी की जर्नी भी उसे अपने इस पूरे के पूरे सफर में पूरी तरीके से चेंज करेगी, क्योंकि ये लोकी वैसा लोकी तो बिल्कुल भी नहीं है जो अपने भाई के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दे। ये लोकी 2012 की एवेंजर्स फिल्म के इवेंट का लोकी है, जो भी बिल्कुल भी नहीं सुधरा, क्योंकि लोकी में चेंजेस शुरू होना थॉर द डार्क वर्ल्ड फिल्म से शुरू हुआ था, जो अभी इस लोकी के सीरीज के अकॉर्डिंग फिलहाल तो हुआ ही नहीं है, और ना ही लोकी की मौत, जिसके बारे में शायद लोकी से कुछ भी छुपाया ना जाए। कैसे, तो उसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। खैर, तो अगले रेफरेंस पर बढ़े तो वो है ये 3 हेड्स और ये 3 स्टैचू, जिसे हम टीवीए के ऑफिस के अंदर से लेकर बिल्डिंग के बाहर तक देखते हैं, जिसे देखकर तो यही लग रहा है कि शायद ये तीनों हेड्स टीवीए के ही 3 जस्टिस को प्रेजेंट करते हैं, जस्टिस पीस, जस्टिस लव और जस्टिस गुडविल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों हेड्स और इस स्टैचू का रेफरेंस एमसीयू के यूनिवर्स के लिविंग ट्राइब्यूनल के है, जो कि एमसीयू के यूनिवर्स के एक काफी पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है। और लिविंग ट्राइब्यूनल का काम एमसीयू के यूनिवर्स में बुरे लोगों को सजा देना है, जिसमें फिलहाल तो अभी एमसीयू के यूनिवर्स में थानोस बच चुका है। और टीवीए के ऑफिस में ऐसे 3 फिगर्स के हेड का होना ये रेफरेंस भी देता है कि टीवीए एमसीयू के यूनिवर्स में टाइम ट्रेवलिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, और जो कोई भी इसके रूल्स को तोड़ेगा तो टीवीए उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि टाइम ट्रेवलिंग कर अगर टाइम में चेंजेस किए जाते हैं तो उससे प्रेजेंट को काफी ज्यादा इफेक्ट भी पड़ता है। और इन सभी पर नजर रखने का काम टीवीए वाले करते हैं, जो खास करके तो कैंग द कॉन्करर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और टीवीए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में कैंग द कॉन्करर सबसे फर्स्ट पोजीशन पर ही आता है। लेकिन ट्रेलर को तो देखकर ये बात साफ साफ पता चल रही है कि फिलहाल तो टीवीए की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैंग द कॉन्करर नहीं बल्कि कोई अननोन हुडी फिगर है, जिसे पकड़ने में शायद टीवीए बार बार फेल हो रही है। और ऐसे में लोकी का साथ शायद टीवीए की कोई ना कोई मदद कर सकता है, जिसके लिए पहले तो लोकी को उन्हें ये भरोसा दिलाना होगा कि वो इस मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिस पर फिलहाल तो टीवीए क्या एमसीयू के फैंस तक को भरोसा नहीं है, क्योंकि लोकी झूठ बोलने में माहिर है। खैर, तो आते हैं फिर से अगले रेफरेंस पर, जो कि है रॉक्सन कॉर्पोरेशन, जिस नाम को हमने एमसीयू के यूनिवर्स में कई बार देखा है, अगर आपने काफी ज्यादा डिटेलिंग पर ध्यान दिया होगा बैकग्राउंड्स के, तो खास करके आयरन मैन 1 और आयरन मैन 3 में। तो अभी इस रॉक्सन कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जिसे अगर मैं सिंपल तरीके से कहूं तो इसका काम अपनी कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिलाना है, जो प्रॉफिट ये कंपनी सारे
के सारे रूल्स को ब्रेक कर कर बहुत ही अच्छी तरीके से कमाना जानती है, यानी कि गलत गलत चीजों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर कर उन पैसे को डबल करना, जिसका मतलब साफ है कि रॉक्सन वाले एमसीयू के यूनिवर्स में किसी बाकी दूसरे बड़े बड़े टेक विलियंस को एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे देकर उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट अपनी कंपनी के खाते में डालती है, जिसे पूरी तरीके से चलाने का काम रॉक्सन कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हक जॉन्स करते हैं, जिस कैरेक्टर को हमने अब तक फिलहाल तो एजेंट कार्टर की सीरीज में ही देखा है और बाकी बच्चे कॉमिक बुक में। तो हो सकता है कि इस रेफरेंस की वजह से रॉक्सन पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जाए, या फिर अभी के लिए तो रॉक्सन कॉर्पोरेशन को अभी के लिए तो एमसीयू के यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के तौर पर ही दिखाया जा रहा है, ठीक जैसे इस कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग्स को एमसीयू के यूनिवर्स के अलावा स्पाइडरमैन के PS4 के गेम में भी डाला गया है। उसके बाद आ जाए अगले रेफरेंस पर, तो इस सीन में हम देख सकते हैं कि मिस्टर मॉबी किसी अननोन लड़की से कुछ अननोन सी चीज ले रहे हैं, जिसके बैकग्राउंड की विंडो में हम एक डेविल की पूरी पेंटिंग को देख सकते हैं, जिसका रेफरेंस शायद मेफिस्टो के कैरेक्टर से लिया गया होगा, जो रूमर के तौर पर हमें वांडा विजन या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिख सकता है। उसके बाद हम लोकी को थॉर द रैग्नारोक की ही तरह अपनी आइकॉनिक नाइफ के साथ खेलते हुए देखते हैं, जिस सीन को थॉर द रैग्नारोक फिल्म से पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया था, लेकिन लोकी की सीरीज में फैंस के लिए वो सर्विस फिर से प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद अगले सीन में हम एक टोटल डिस्ट्रॉय प्लेनेट को देखते हैं और एक डिस्ट्रॉय मून को भी, जिसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मून की बुरी हालत शायद थैनोस ने ही की होगी, या फिर ये बस एक रेफरेंस है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फिल्म के उसी बैटल सीन के, जिस बैटल सीन में थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से मून्स के कुछ टुकड़े टोनी स्टार्क और बाकी दूसरे अवेंजर्स के टीम मेंबर पर फेंकता है। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी एमसीयू के यूनिवर्स में अब तक तो मून बिल्कुल ठीक है, क्योंकि याद रहे ये सीरीज इतनी ज्यादा फ्यूचर में फिलहाल तो अभी जाने वाली नहीं है एमसीयू के, और बाकी जो फ्यूचर में लोकी जाने वाला है वो शायद अलग रियलिटी या फिर अलग ही यूनिवर्स होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोकी एक ऐसे फ्यूचर में पहुंचा है जहां पर चितोरी आर्मी न्यूयॉर्क की वो बैटल जीत गई जिसके कारण से पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया। क्योंकि इसी सीन के बैकग्राउंड में हम अवेंजर्स टावर को भी देख सकते हैं, जो फिलहाल तो अब अवेंजर्स टावर नहीं बल्कि बैक्स्टर बिल्डिंग होगी, क्योंकि केविन फैगी ने फैंटास्टिक फोर की कंफर्मेशन कर दी है, जिससे कि अब इसकी पॉसिबिलिटी हिसाब से काफी ज्यादा है। और उसके बाद अगला रेफरेंस है एक आर्केड गेम पॉलीब्रोस का, जो कि एक अर्बन लेजेंड है 80s के टाइम का, क्योंकि इस नाम से ऐसे कोई भी आर्केड गेम नहीं बनाया गया था। और ये अर्बन लेजेंड इसलिए है क्योंकि इस नाम के साथ 80s के टाइम पर लोगों ने काफी सारी अफवाह भी जोड़ दी थी कि इस आर्केड गेम को गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसे काफी सीक्रेट लोग यूज करते हैं, खास करके अपनी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, यानी कि डेटास जो इनके पास बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होते, जिसे वो लोग इस आर्केड गेम की मदद से सीधे गवर्नमेंट के सीक्रेट हेडक्वार्टर पे पहुंचा देते हैं। अब आई नो सुनने में काफी फनी लगता है, लेकिन सच में इस गेम से रिलेटेड ऐसी ही काफी सारी स्टोरीज को जोड़ा गया है, और लोकी की सीरीज में इस आर्केड गेम को दिखाने का मतलब यही है कि शायद लोकी इस आर्केड गेम को यूज करता होगा, या फिर एमसीयू के यूनिवर्स में बाकी दूसरे लोग। और फिर इसी सीन में हमें लोकी का काफी अलग लुक भी नजर आता है, जिसका रेफरेंस सीधे सीधे लोकी की रिलीज की गई कॉमिक वोट लोकी से लिया गया है, जिसे पब्लिश किया गया था साल 2016 में, और इस कॉमिक बुक के टोटल 4 इश्यूज निकल कर आए थे, जिस इशू में पूरा पूरा कहानी का फोकस किया गया था लोकी के इलेक्शन पर, जिसमें वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करता है, जिस इलेक्शन के टाइम पर वो हिसाब से काफी ज्यादा झूठ बोलता है, जो कि हमें इसके कॉमिक बुक के इस कवर पर भी साफ साफ नजर आ रहा है, जिससे मुझे डोनाल्ड ट्रम्प की भी काफी ज्यादा याद आ रही है। और इस सीरीज में सीन के दिखाने का मतलब यही है कि शायद लोकी वो इलेक्शन जीत गया, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी दुनिया एक हिसाब से डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि न्यूयॉर्क के बाद के इवेंट का ये फ्यूचर जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय और बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है। लेकिन ट्रेलर के कुछ सीन्स में लोकी इसी फ्यूचर में काफी ज्यादा है, इतना ज्यादा कि हमें एक सीन में झलक इस ट्रेलर में ब्लैक विडो की भी नजर आती है, क्योंकि फैंस का मानना तो फिलहाल इस सीन को देखकर काफी ज्यादा है कि सीरीज में हमें ब्लैक विडो का भी कैरेक्टर नजर आने वाला है, जो वॉर में प्लेनेट पर ही बैठी है और वहां पर उसे बचाने के लिए गेस्ट वॉर्ड लोकी चला जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो ब्लैक विडो तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो और कोई नहीं बल्कि लोकी का ही फीमेल वर्जन यानी कि फीमेल लोकी है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले सीरीज में सोफिया डी मार्टिनो प्ले करने वाली है। और हो सकता है कि वो अननोन हुडी फिगर भी वो फीमेल लोकी ही हो, जिसने टीवीए की नाक में दम कर रखा है, और शायद वो फीमेल लोकी ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि उसे पूरा फ्यूचर पता है और वो नहीं चाहती कि हमारा ये लोकी टीवीए की ही कस्टडी में रहे, जहां से बाद में मौका देखकर लोकी भागने की भी कोशिश करेगा या फिर डेफिनेटली सक्सेस भी होगा, जिसके लिए पहले तो उसका सामना टीवीए के कुछ एजेंट्स और गोरू माबा राव के कैरेक्टर से भी करना होगा, जो कि शायद टीवीए की हेड है, जो लोकी को सजा भी देगी और बाद में उसका सामना अपने कुछ एजेंट्स के साथ मिलकर भी करेगी। और इसी के अलावा बात करें ओवन विल्सन के कैरेक्टर की, जिनके कैरेक्टर का नाम फिलहाल तो इस ट्रेलर के सबटाइटल से कंफर्म होता है, और वो नाम मॉर्बियस एम मॉर्बियस है, जिन्हें एमसीयू के यूनिवर्स में मिस्टर मॉर्बियस भी कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर अपने इस काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, और टीवीए में इसके क्लोन्स की गिनती इतनी ज्यादा है कि इसके वर्जन कितने हैं वो खुद मुझे पर्सनली नहीं पता। तो शायद ऐसा ही कुछ इस सीरीज में भी हमें ओवन विल्सन के इस मिस्टर मॉर्बियस के कैरेक्टर को लेकर दिखाया जाएगा, जो बार बार अपनी गलती के चलते मारा जाएगा और बाद में उसका दूसरा क्लोन
मिस्टर मॉबस की वो जगह ले लेगा, जो कि सच में देखने में बहुत ही ज्यादा फनी भी रहेगा। लेकिन लिफ्ट के सीन को देखकर ऐसा लगता है कि मिस्टर मॉबस लोकी को बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से पहचानते हैं, और ये भी कि लोकी झूठ बोलने में कितना ज्यादा माहिर है, जिसका झूठ टीवी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। इसलिए पहले उसे उसके किए गए सारे के सारे गुनाह दिखाए जाएंगे, खास करके न्यू ईयर की वही बैटल जहाँ से वो भाग कर टेस्ट ट्रैक की मदद से टाइम ट्रेवलिंग कर रहा है। और काफी लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि लोकी के पास अगर टेस्ट ट्रैक है तो वो उसकी मदद से टीवीए से निकलकर भाग क्यों नहीं जाता। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ट्रेलर में लोकी को अवेंजर्स एंड गेम की सिचुएशन से हटाया गया है और सीधे वहां से डेजर्ट में लाकर पटका गया है, तो सीन को देखकर ये बात भी साफ साफ पता चल जाती है कि ये एक अलग ही सीन होगा। और देखकर ऐसा लगता है कि लोकी से किसी ने टेस्ट ट्रैक छीन लिया है। अब हो सकता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हुडी फिगर ही हो, या फिर लोकी का ओल्ड वर्जन जो रूमर के अकॉर्डिंग इस सीरीज में रिचर्ड ई ग्रैंड प्ले करने वाले है। यानी कि इस टाइमलाइन में लोकी टेस्ट ट्रैक के पीछे ही भागने वाला है, जिसकी वजह से वो एमसीयू के मल्टीवर्स के भी कॉन्सेप्ट को फैंस के सामने प्रेजेंट करेगा। वेल, तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि रेफरेंस सारे के सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब मैं बात इस सीरीज के ट्रेलर की कर रहा हूँ, जिसमें अब आगे मैं कंटिन्यू मार्वल स्टूडियो के इस लोगो को करूंगा, जो लोगो पूरी तरीके से लोकी के रंग में रंग गया है। और इसी के साथ साथ इस लोगो के बैकग्राउंड में अगर आप नजर डालो तो हमें बैकग्राउंड में लोकी के नाम के काफी सारे अलग अलग लेटर्स बहुत ही डिटेलिंग में दिखाए जाते हैं। और इसके अलावा जिस तरीके के लोकी के लोगो को भी हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, उसे देखकर तो ये बात बिल्कुल साफ और क्लियर है कि ये सीरीज अपने टाइटल की तरह हमें भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करेगी, क्योंकि टाइटल भी अपने प्रॉपर फॉन्ट को ढूंढ नहीं पाता और एक काफी अलग अलग फॉन्ट्स में आकर रुक जाता है, जिसे अगर आप काफी स्लो कर देखो तो हर एक फॉन्ट्स के अल्फाबेट्स के डिजाइन अलग अलग लेटर्स में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो पजल क्यूब की तरह बहुत ही ज्यादा उलझे हुए हैं, जिन्हें सॉल्व करने का काम ऑब्वियसली लोकी सीरीज में करेगा और हमारे सामने एमसीयू की एक प्रॉपर टाइमलाइन को भी प्रेजेंट करेगा कि इतनी सारी गड़बड़ी के बाद लोकी एंड में सब कुछ ठीक कर दे। और हाँ, इस ट्रेलर को देखते वक्त हो सकता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी यही सोच रहे होंगे कि लोकी की सीरीज का फोकस या फिर रेफरेंस नेटफ्लिक्स की सीरीज अम्ब्रेला एकेडमी से लिया गया है, क्योंकि इस सीरीज में भी टेम्स कमीशन कुछ इसी तरीके से टाइम को प्रोटेक्ट करती है, जिसके बाद टेम्स की एजेंसी नंबर 5 को हायर कर लेती है, क्योंकि नंबर 5 अपने में ही काफी ज्यादा बेस्ट है। और अगेन नंबर 5 पर भी टेम्स वाले ट्रस्ट नहीं करते, जिस ट्रस्ट को वो बहुत ही अच्छी तरीके से तोड़ता भी है। कैसे? उसके लिए तो आपको अम्ब्रेला एकेडमी की सीरीज ही देखनी होगी, जो कि मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंड है। खैर, तो वैसा ही कुछ अब हम लोकी के सीरीज में होते हुए देख रहे हैं, जिसमें लोकी भी कुछ ऐसा ही करेगा या फिर टीवीए वाले लोकी से किसी मिशन में उसकी मदद चाहते हैं। इसीलिए ट्रेलर के कुछ सीन में हम लोकी को टीवीए के जैकेट्स को पहना हुआ देखते हैं, जो कि हो सकता है कि लोकी टीवीए से भागने के लिए उस यूनिफॉर्म को यूज कर रहा है। लेकिन सेट की इमेजेस में हमने लोकी को टीवीए वालों के साथ में भी देखा है, यानी कि लोकी टीवीए के साथ मिलकर उस अननोन हुडी फिगर को ढूंढ रहा है। और अब यहीं पर फीमेल लोकी की भी बात कर ले तो कॉमिक बुक में फीमेल लोकी थॉर द रैग्नारोक के बाद आई है, जो कि लोकी का फीमेल वर्जन है। और हाँ, लोकी का एक दूसरा अलग जन्म भी, जो चीज लोकी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो कॉमिक बुक में यही ढूंढता रहता है कि वो पहले जैसा कैसे होगा। लेकिन एमसीयू के यूनिवर्स में स्टोरी को शायद कुछ अलग ही तरीके से दिखाया जाएगा। क्यों? तो अब उस रीजन की भी बात करते हैं, जो कि ये सीन है जिस सीन में हम लोकी को फिर से अवेंजर्स टावर के अंदर देखते हैं, जहां पर वो शायद अपनी कोई कीमती चीज लेने आया है या फिर किसी और काम से। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग सीन अगर कोई इस ट्रेलर में है तो वो ये सीन है, जिस सीन में हम लोकी को एक रूम में मिस्टर मॉबिस के साथ लोकी के किए गए कारनामे देखते हुए देखते हैं, जिसमें से एक कारनामा तो लोकी के उस न्यूयॉर्क बैटल का है। लेकिन ये सीन मुझे हिसाब से काफी ज्यादा कंफ्यूज कर चुका है, क्योंकि अगर आपको याद नहीं तो ये सीन थॉर द रैग्नारोक फिल्म के एंड का सीन है, जिस सीन में लोकी एक सेवियर बनकर एस्गार्ड के लोगों को बचाने के लिए आता है। तो अब वहां पर लोकी को अगर बैठे बैठे इतने सारे फ्यूचर दिखा दिए गए हैं, तो शायद हो सकता है कि उसमें से लोकी को उसकी मौत भी दिखाई गई हो, जिसे देखकर लोकी ने शायद इस सीन में अपने मुंह तक को फेर लिया। यानी कि लोकी को पहले से ही पता है कि उसका फ्यूचर थानोस के हाथों में जाकर खत्म होने वाला है। इसीलिए लोकी अब इस सीरीज में हमें टाइम के साथ हिसाब से काफी ज्यादा छेड़छाड़ करते हुए नजर आने वाला है, ताकि वो अपना फ्यूचर थानोस के हाथों से निकालकर अपने हिसाब से कंट्रोल करे। तो शायद ऐसे ही मिस्टर मॉबिस ने लोकी को लेकर अपनी मेमोरीज को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग किया है, जिससे कि उन्हें पता है कि लोकी कितना बड़ा झूठा और उसका फ्यूचर क्या है। और हाँ, बाय द वे बात करें टीवीए में लगे हुए इन तीन स्टैच्यू के बैकग्राउंड्स की, तो बैकग्राउंड में काफी ज्यादा ध्यान से देखने के बाद मुझे तो फिलहाल ये पता चला है कि टीवीए के इस हेडक्वार्टर में अजीब एलिवेटर्स के बटन के अलावा काफी सारी स्टोरेज करने वाली लाइब्रेरीज भी है, जिनमें शायद टीवीए वाले टाइम के इवेंट्स के रिकॉर्ड रखते हैं। और फिर से आ जाए वॉर्मियर के प्लैनेट जैसे दिखने वाले सीन पर, तो हो सकता है कि ये फीमेल लोकी, जिसे लोग ब्लैक मिरर समझ रहे हैं, शांत इसलिए बैठी है कि फ्यूचर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो शायद लोकी की वजह से ही हुआ है, और वो ये सब कुछ ठीक करना चाहती है, जिसे ठीक करने के लिए उसे अपने ही मेल वर्जन से मिलना होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये फीमेल लोकी दूसरे ही मल्टीवर्स का हिस्सा है, जिस फ्यूचर में उसकी पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद हो गई, और वो ऐसा ही कुछ एमसीयू की प्रेजेंट टाइमलाइन में भी करना चाहती है, जिसके लिए वो टाइम में शायद पहले
तो काफी ज्यादा पास पर हैगी, क्योंकि टीवीए के एजेंट्स के सीन और उस हुडी फिगर के सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग ये साल 1820 के आसपास का होगा, जिस जमाने में लाइट्स नहीं थी। और इस सीन के अगर बैकग्राउंड में आप देखो तो आपको टीवीए के एजेंट्स के पीछे एक लेडी गाउन पहने हुए भी नजर आएगी। और लोकी के इस सीन की बात करें तो शायद ये एस्गार्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप लोकी के अलावा बाकी दूसरे कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम पर नजर डालेंगे तो उनके कॉस्ट्यूम्स भी एस्गार्ड या फिर किसी पुराने टाइम पीरियड्स के हैं। और फ्यूचर के इस सीन की बात करें तो काफी लोगों को ये कैरेक्टर थॉर का एक अलग वर्जन लग रहा है, जो वहाँ पर शायद लोकी को बचाने के लिए आया है। लेकिन देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस फ्यूचर में लोकी को सपोर्ट करने वाले लोग भी है, जो नहीं चाहते कि लोकी किसी मुसीबत में फंसे। और अब बात करें फिर से फीमेल लोकी के मकसद की, तो मेरा अंदाजा ये भी कहता है कि टीवीए वालों ने ही इस फीमेल लोकी के वर्जन को पूरी तरीके से प्रिपेयर किया है, जो आगे चलकर पूरी तरीके से रोग हो गई और टीवीए के ही खिलाफ हो गई है, जिसे रोकने के लिए अब टीवीए वालों को मेल लोकी की जरूरत पड़ी है। अब ये थियरी मेरे दिमाग में इस सीन को देखकर निकल कर आई है, जहां पर हम मिस्टर मॉबिस को एक छोटी बच्ची से अननोन चीज लेते हुए देखते हैं, जो बच्ची शायद और कोई नहीं बल्कि फीमेल लोकी हो। वेल, तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स और ट्रेलर ब्रेकडाउन डिज्नी प्लस पर आने वाली लोकी सीरीज को लेकर, कि मुझे इसके ट्रेलर में कितनी डिटेल्स मिली है। अब बात करें सीरीज की ऑफिशियल रिलीज डेट की, तो डिज्नी प्लस पर हमें ये सीरीज मई के मंथ में देखने मिलेगी, जिसकी डेट फिलहाल तो अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई है। और हाँ, इस सीरीज को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में रिलीज किया जाएगा, जिसे लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं कि एमसीयू के शोज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में रिलीज किए भी जाएगी या नहीं। आई होप अब आपको फाइनली इसका जवाब मिल गया है, जिस बारे में आप मुझे बार बार पूछ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।